हेलो दोस्तों, आप लोग को शिवानी फ्री ऑनलाइन टीचिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कितने रुपये लगेंगे तथा फिल करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इस वीडियो में संपूर्ण डिटेल आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप तो बीएड फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए हैं लेकिन ऑफिशियली आप प्रमोट नहीं हुए हैं, क्योंकि जब तक इस फॉर्म को आप फिल नहीं करेंगे जब तक आप सेकेंड ईयर में नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए ये फॉर्म भरना मैंडेटरी है। तो आप इस वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फॉर्म फिल कैसे करना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये लैपटॉप से भरना है कि मोबाइल से। दोस्तों, आप मोबाइल से ही भर सकते हैं इस फॉर्म को और लैपटॉप से ही भर सकते हैं। अगर आपके पास लैपी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आप अपने मोबाइल से भर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में हम आपको संपूर्ण डिटेल बताएं कि आप मोबाइल से कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं वीडियो को आगे चलते हैं। वीडियो को आगे चलने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर लें। दोस्तों, इस वीडियो का लिंक, इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सीधे CCS यूनिवर्सिटी के साइट पर आपको जाने के लिए आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, मैं वहाँ पर लिंक दिया हूँ। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पे आएंगे तो देख रहे हैं कि आपको दिख रहा होगा एग्जाम टाइप, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे बीएड मेंस में आप क्लिक करेंगे, उसके बाद दिख रहा होगा कोर्स, थोड़ा सा लोडिंग लेगा उसके बाद आ जाएगा कोर्स का। तो कोर्स आप देख रहे होंगे बीएड सेकेंड ईयर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है बीएड स्पेशल एजुकेशन। तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी मॉडर्न कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में बच्चे पढ़ते हैं वो क्लिक करेंगे बीएड सेकेंड ईयर पर, क्योंकि हम लोग का जो बीएड हो रहा है वो 2 साल का कोर्स है। और जो बीएड स्पेशल जो दिखा रहा है एजुकेशन जो नीचे वाला, वो जो यूनिवर्सिटी में जो बच्चे बीएड करते हैं वो उन लोगों के लिए है। तो हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, बीएड सेकेंड ईयर पे, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा लोडिंग लेगा, उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे, देखेंगे कि आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर। तो आपको रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर आपको फिल करना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कहाँ से फिल करें, कहाँ ये मिलेगा। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में या कोई भी कॉलेज में जब एडमिशन लिए होंगे तो आपको कॉलेज से कुछ डॉक्यूमेंट मिला होगा, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा ऐसे ही आपको मिला होगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो दिख रहा है इसी चीज़ को यहाँ पे भरना है। तो चलिए मैं इसको भरता हूँ, उसके बाद भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे इसको कैप्चा लिखा हुआ है, कैप्चा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, इसको जैसे क्लिक करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा, देखिए रिफ्रेश हो गया। उसके बाद इस कैप्चा को आराम से यहाँ पे फिल कर लेंगे। चलिए मैं फिल करता हूँ इस कैप्चा को, फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। आप लोग बड़े आराम से इस कैप्चा को फिल करेंगे। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो उस कैप्चा को आप दोबारा से फिल कर लेंगे। उसके बाद सर्च पे करेंगे, जैसे आप सर्च पे करेंगे यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स आपको दिख जाएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा नाम, इंट्रेंस जो भी दिख रहा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर जो भी दिख रहा होगा आपको सब चीज़ दिख जाएगा। आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम आपको एक बार मिला लीजिएगा कि जो चीज़ सही है या नहीं। उसके बाद आप यहाँ आएंगे नीचे तो दिख रहे होंगे मैंने उल्लेखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ा है। आप लोग पूरे पढ़ लीजिएगा, मैंने तो पढ़ लिया है। आप लोग पढ़ के उस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा लोडिंग लेगा और यहाँ आ जाएगा, देखिए आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। उसके बाद आप एक बार और अपने इसको मिला लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, अगर कुछ गलत होगा तो आप इसको फिल कर लेंगे। चलिए ऊपर से देखते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा आपका, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। उसके बाद इनरोलमेंट नंबर आ रहा है, इनरोलमेंट नंबर उन्हीं बच्चों को मिलता है जो CCS से, यानी कि जो यूनिवर्सिटी से जो बीएड कर रहे होंगे उनको मिलता है। अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपको ये मिल जाएगा, आपको मिला नहीं तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ रोल नंबर है, रोल नंबर अगर आपके पास हो तो फिल करेंगे, नहीं है तो उसको फिल नहीं करेंगे, मैंडेटरी नहीं है। तो जो हम लोग प्रमोट हो गए फर्स्ट ईयर के बच्चे तो उसको तो रोल नंबर मिला नहीं हम लोग को, तो उसको छोड़ देंगे हम लोग खाली ही। उसके बाद स्टूडेंट नेम दिख रहा है, फादर्स नेम दिख रहा है, मदर्स नेम दिख रहा है, आप इसको सही से मिला लेंगे कि सही है कि नहीं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, ये मैंडेटरी है, क्योंकि आप देखेंगे इस पर स्टार लगा हुआ, इसमें मैंडेटरी होता है, तो आपने मिला लेंगे सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है जेंडर, जेंडर पे इसमें मेल और फीमेल दोनों होता है, आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करके देख लीजिए इस पर। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ मेल में, जैसे मेरा नाम देव सागर है तो यहाँ पर मेल आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कैटेगरी पर जाएंगे, कैटेगरी पर चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिख रहे होंगे कि जनरल है, OBC है, SC है, ST है, तो आप अपना देख लेंगे आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST से करते हैं, OBC से करते हैं, जिससे करते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं तो अपना क्लिक कर लिया। उसके बाद सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप हैंडीकैप्ड है या आपके फादर या फ्रीडम फाइटर रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ है आपके, तो इसमें क्लिक करेंगे। अदरवाइज मेरे तो कोई इससे रिलेटेड नहीं है तो मैं नॉट अप्लीकेबल डालेंगे।
आगे देखते हैं यहाँ पे नेशनलिटी इंडिया ही छोड़ देंगे, उसके बाद डोमेस्टिक स्टेट आप कहाँ के हैं वहाँ के डालेंगे स्टेट, आप यूपी के हैं तो यूपी के डालेंगे, हम बिहार के हैं तो बिहार के, जहाँ के आप हैं वहाँ के स्टेट डाल देंगे। उसके बाद रिलीजन है, आप रिलीजन पर क्लिक करेंगे, जैसे रिलीजन पर क्लिक करेंगे आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं सिख हैं जिस भी धर्म से आप रिलेट करते हैं आप उसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। जैसे अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे करेंट एड्रेस लिख रहा है और साइड में दिख रहा है परमानेंट एड्रेस, तो करेंट एड्रेस का मतलब होता है कि जैसे आप बिहार के हैं या यूपी के कहीं के भी हैं और दिल्ली में रह रहे हैं, जहाँ पर रह रहे हैं वो करेंट एड्रेस होता है। तो जैसे कि मैं बिहार का हूँ और दिल्ली में मैं रहता हूँ तो मैं अपना दिल्ली का यहाँ का करेंट एड्रेस डाल दूँगा। उसके बाद आपको वहाँ बगल में दिख रहा होगा परमानेंट एड्रेस, यानी कि आप कहाँ के मूल रूप से निवासी हैं तो आप वहाँ का एड्रेस डालेंगे। अगर किसी किसी बच्चा का करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर दिख रहा होगा कॉपी फर्म करेंट, यानी कि इस पर क्लिक कर देंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, करेंट एड्रेस जो है परमानेंट एड्रेस हो जाएगा। अदरवाइज उसको आपको नहीं क्लिक करना है तो आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। और जो यहाँ पर फिर स्टेट दिख रहा है, आप स्टेट पर क्लिक करके स्टेट चूज करेंगे, चलिए मैं अपना चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, डिस्ट्रिक्ट को भी चूज कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग पिन कोड होता है, आप अपने हिसाब से अपना पिन कोड डाल लेंगे। अगर आपका करेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो दोनों सेम ही डलेगा, स्टेट और पिन कोड जो भी है डल जाएगा। जैसे कि मेरा बिहार के हैं तो मैं बिहार डाल दिया, अपना सब चीज़ें यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद आगे नीचे बढ़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। तो आप लोग अच्छे से अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे, इसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे, अपना ध्यान से कोशिश करेंगे कि वही मोबाइल नंबर डालें जो मोबाइल नंबर चालू हो, चालू पीरियड में हो। उसके बाद आपको दिख रहा होगा जीमेल का, आप अपना जीमेल आईडी डालेंगे, कोशिश करेंगे कि वही जीमेल आईडी डालें जिसका पासवर्ड आपको पता हो और जो जीमेल आईडी चालू पीरियड में हो, क्योंकि जो हम फॉर्म भरेंगे तो इसका मेल भी आता है तो आपके जीमेल चालू रहेगा तो अपना मेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है मीडियम, जब मीडियम पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है आपको इंग्लिश और हिंदी, और इंग्लिश और हिंदी का मतलब हुआ कि कोई बच्चा अगर इंग्लिश में एग्जाम देना चाहता है तो अपने इंग्लिश में डालेगा, कोई बच्चा अगर हिंदी में देना चाहता है तो हिंदी में डालेगा। और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एग्ज़ाम तो हम लोग का होगा ही नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम तो हम लोग का हो गया, प्रमोट हो गए, तो इसका मतलब हुआ कि जैसे कि कोई बच्चा सेकेंड ईयर में अब जाएगा तो सेकेंड ईयर में भी भरेगा, तो अगर फर्स्ट ईयर में आप इंग्लिश में डालते हैं तो सेकेंड ईयर में भी आपको इंग्लिश में देना है, अगर फर्स्ट ईयर में हिंदी में देते हैं तो सेकेंड ईयर में भी हिंदी में देंगे। उसके बाद आपको दिख रहा होगा आधार नंबर, तो अपना आधार नंबर अपने हिसाब से अपना ध्यान से अपने आधार कार्ड से यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आपको दिख रहा होगा माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ डालना है। पहले मैं बता दूँ, जो बच्चे CCS यूनिवर्सिटी से जो बच्चे पढ़े हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे नो कर देंगे, और जो बच्चे DU से या दूसरे कॉलेज से पढ़े हुए हैं तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ डालना नेसेसरी है। आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दिख रहा होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो मैं आपको दिखा दूँ माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता कैसे है, तो देख लीजिए आपको डिस्क्रिप्शन पर दिख रहा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऐसा ही होता है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको सर्टिफिकेट नंबर जो यहाँ दिख रहा है उसी को यहाँ डालना है, सर्टिफिकेट नंबर आप ध्यान से सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ डालेंगे। उसके बाद लिख रहा है डेट ऑफ इशू, आप कब इसको इशू कराए थे, कब आप लिए थे, तो अपना डेट डाल लेंगे। देखिए यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा है जो दिख रहा है डिस्प्ले पे कि इस तारीख को इशू हुआ है, उस तारीख को आपको डालना है। चलिए मैं इसको फिल कर लेता हूँ। आप भी अच्छे से, अगर वीडियो अब मेरा अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा भी इसको प्ले कर करके आप अच्छे से देखते रहिए, और मेरे साथ साथ अगर आप फिल करेंगे अपना फॉर्म तो बहुत आसानी से फिल कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। देखिए जैसे कि मैं इसको फिल कर लिया, उसके बाद है यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, जैसे कि मैं DU से पढ़ा हुआ हूँ, कोई बच्चे UP बोर्ड से पढ़े होंगे, जौन सा भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़े होंगे तो वहाँ का जो माइग्रेशन लाए हैं वहाँ का आप डाल देंगे कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। जैसे कि मैं DU से पढ़ा हूँ तो मैं अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, आप भी अपना ध्यान से देख के दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो भी आप जहाँ से पढ़े हैं आप वहाँ का डाल देंगे। चलिए मैं अपना चूज कर लेता हूँ पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का। आपका भी जो भी माध्यम रहा होगा, आप जहाँ से पढ़े होंगे UP से बिहार से जहाँ से ही पढ़े होंगे आप वहाँ का चूज कर लेंगे। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है और आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर कौन सपोर्ट करेगा। चलिए दोस्तों मैं अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लूँ, बहुत सारी इसमें यूनिवर्सिटी आपको अपना ध्यान से देखना है। देखिए मेरा यूनिवर्सिटी मिल गया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो आप लोग भी अपना ध्यान से, हर यूनिवर्सिटी इसमें है आपको अपना ध्यान से यूनिवर्सिटी अपना चूज कर लेना है।
उसके बाद देखिए जब अगला पेज पर हम लोग चलेंगे तो अगला पेज पर देखिए क्या लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर दिख रहा है सब्जेक्ट पेपर, तो आपका कौन सा पेपर है आप यहाँ चूज करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे बी एड मेन्स, तो पहले से क्लिक हुआ है तो पहले से फिल ही रहेगा। कोर्स आपका बी एड सेकेंड ईयर का है, ये क्लिक रहेगा। अपना कॉलेज यहाँ पे चूज कर लेंगे, जैसे कि मैंने कॉलेज चूज किए से पहले ही, तो पहले ही आपने आ जाएगा। जैसे आपने रोल नंबर डाले रहेंगे तो आपका कॉलेज फिल हो जाएगा, अपने एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, सब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट पे, तो उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन पर डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा देर लोडिंग लेगा उसके बाद आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपको बोलेगा पेपर चुनने के लिए कौन कौन था, तो मैं आपको बता दूं पेपर 1, 101, पेपर 102, पेपर 103, पेपर 104, ये सारे बच्चों का सेम ही होता है। ठीक है, बाकी दो विषय जो है पेपर 5 और पेपर 6, इसमें दो बदलते हैं। तो अगर आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, मैथ हो, जिसका जो हो अपना चूज कर लेंगे। जैसे कि मेरा हिंदी है तो मैंने अपना हिंदी चूज कर लिया। उसके बाद पेपर 6 में अगर आपका SST है, इंग्लिश है, जो भी है आप उसको चूज कर लेंगे। जैसे मेरा पेडागोलॉजी ऑफ सोशल साइंस है, मैं इसको चूज कर लेता हूँ। आप ही अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि मैं जो भर रहा हूँ आप ही वो भरिए, आपका जो सब्जेक्ट होगा उसी को चूज करेंगे, ये बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि मेरे साथ साथ आप ही कॉपी करते चले जा रहे हैं। आपका हिंदी हो तो हिंदी चूज करिए, इंग्लिश हो तो इंग्लिश चूज करिए। चलिए फिर आगे चलते हैं। जैसे आप यहाँ पर आगे आएंगे तो अब देखेंगे यहाँ पर लिख रहा है लास्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि आप 10th कहाँ से किए थे। तो आप 10th UP बोर्ड से किए होंगे, CBSE से किए होंगे, जहाँ से भी किए होंगे आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि मैंने बोर्ड यूनिवर्सिटी पूछा है तो मैंने बोर्ड यूनिवर्सिटी पे CBSE मैंने अपना डाल दिया। उसके बाद आपको दिख रहा होगा रॉ नंबर, रॉ नंबर में अपना ध्यान से अपना रॉ नंबर डाल देंगे। अगर रॉ नंबर नहीं पता चल रहा हो तो अपना 10th का जो मार्कशीट होगा उस पर देखेंगे तो रॉ नंबर होगा, उसको आप डाल देंगे। उसके बाद दिख रहा है कि पासिंग ईयर पूछता है, आप कितने कौन से ईयर में पास किए थे अपना 10th। तो जैसे कि मैंने 2015 में पास किया था तो आप भी अपने हिसाब से अपना पासिंग मार्क्स डाल लेंगे। उसके बाद दिख रहा है मार्क्स ऑब्टेन, आपने कितने मार्क्स लाए थे, यानी 10th में आपने कितने मार्क्स लाए थे। तो बहुत से बच्चों का परसेंटेज में होता होगा, बहुत से बच्चों का CGPA में होगा, तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद दिख रहा है मैक्सिमम मार्क्स, कितने नंबर का आपका पेपर था और कितने नंबर आपने लाए। तो इसमें अपना मैक्सिमम मार्क्स में जितने नंबर का पेपर था, 500 का था, 600 का था, उतना लिख देंगे। और मैक्सिमम मार्क्स में लिखने के बाद मार्क्स ऑब्टेन में जितना आया था वो लिख देंगे। उसके बाद चलते हैं अगले पे, लिखा है इंटरमीडिएट यानी 10th + 12th, यानी कि 12th में आप क्या कौन सा आपका सब्जेक्ट था। तो यहाँ जैसे सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, तो जो सा आपका सब्जेक्ट आप लिए होंगे अपना चूज कर लेंगे। जैसे कि मैंने मेरा आर्ट्स था तो मैंने अपना आर्ट्स चूज कर लिया। उसके बाद आपको दिखा रहा है कि कौन से बोर्ड से थे, आप UP बोर्ड से थे, जौन सी भी बोर्ड से थे। जैसे मैंने CBSE बोर्ड से था तो मैंने CBSE बोर्ड अपना चूज कर लिया। उसके बाद फिर इसमें रॉ नंबर भी डालना है, तो रॉ नंबर आपका जो भी था अपना डाल लेंगे। रॉ नंबर आपको 12th के मार्कशीट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से रॉ नंबर डाल लेंगे। उसके बाद पूछा है कि कब पास किए थे, तो आपने 12th जब पास किए होंगे उसका ईयर यहाँ डाल लेंगे। जैसे कि मैंने 2017 में पास किया था तो मैंने अपना डाल लिया। उसके बाद पूछा है मार्क्स ऑब्टेन, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। तो मैंने जितना आपने ऑब्टेन किए होंगे, हो सकता है आप परसेंटेज में किए होंगे, हो सकता है CGPA में किए होंगे, तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे मार्क्स में। उसके बाद दिख रहा है मैक्सिमम मार्क्स, आपका मैक्सिमम मार्क्स कितने का पेपर हुआ था और कितना आपने पाया, तो वही मैक्सिमम मार्क्स आपको डाल देना है। जैसे कि मैंने 500 का मेरा पेपर था तो मैंने 500 यहाँ डाल दिया। चलते हैं अगले पेज पे, जैसे आप इसको स्लाइड करेंगे उसके बाद आएगा डिप्लोमा का। तो जैसे कि आपने ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किए थे, ग्रेजुएशन में कौन सा क्या किए थे, BA किए से, इसमें बहुत सारे कैटेगरी है। आप जो भी ग्रेजुएशन में किए होंगे, जैसे मैंने BA किया था, आप BSc किए होंगे, हो सकता है BBA किए होंगे, जो भी आप किए होंगे आपने डाल देंगे। जैसे मैंने BA किया था, उसके बाद कौन से यूनिवर्सिटी से किए होंगे, तो इसको जैसे आप खोलेंगे तो यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको दिया हुआ, आप इसमें से कोई सा यूनिवर्सिटी, जो भी आपका यूनिवर्सिटी होगा आप अपना चूज कर लेंगे। जैसे कि मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली था तो मैंने अपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली चूज कर लिया। उसके बाद अपना रॉ नंबर डाल लेंगे, तो आपको 12 ग्रेजुएशन के मार्कशीट पे आपका रॉ नंबर होता है, आप वहाँ से डाल लेंगे। उसके बाद सेम वही है, पासिंग ईयर कब का था, कब पास किए थे, वही मैक्सिमम मार्क्स कितना था, ऑब्टेन मार्क कितना था, तो अपना इसमें डाल लेंगे कितना मार्क्स आपको मिला था और कितना मैक्सिमम मार्क था। चलिए मैंने अपना डाल लिया। फिर अगला पे चलते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट है, अगर पोस्ट ग्रेजुएट आपने कर रखे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट पे। जैसे सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा होगा MA, BCA, MCA, आप जो भी किए होंगे आप इसको फिल करेंगे। अगर नहीं किए हैं तो आपको ऐसा ही छोड़ देना है, अगर आप किए हैं तो भरेंगे सेम वैसा ही, कौन सा यूनिवर्सिटी से किए हैं, रॉ नंबर कितना है, कौन से ईयर में पास किए हैं, कितना आपको मार्क्स मिला था और टोटल मार्क्स कितना का था, आपको यहाँ पर पूरे फिल करना है। अगर आपका नहीं किया है MA, BA, BCA नहीं किया है तो आप इसको छोड़ देंगे। उसके बाद है एडिशनल एजुकेशन, अगर आपने एडिशनल एजुकेशन कोई सा भी नहीं किया है तो उसको छोड़ देंगे। अगर अदरवाइज मैं इसको खोल के देखता हूँ, सेलेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है CTET, CTET भी था यहाँ पे, CTET नहीं था,
CLAT क्लेट था, नेट था, रेट था। तो अगर आप ये सब कर चुके हैं तो फिल करेंगे, अगर नहीं किए हैं तो आप इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे वही सेम वही प्रोसेस है, इसमें भी कौन सी यूनिवर्सिटी से किए हैं वो भी डालना है, रोल नंबर आपको डालना है, कौन से ईयर में पास किए थे वो डालना है, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो डालना है, मैक्सिमम मार्क्स कितना था वो डालना है। अब आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है फ़ोटो और सिग्नेचर का। आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको यहाँ पर दिखा होगा, आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है और एक सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जैसे कि हमने अपने यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर दिया, आप लोग भी अच्छे से फ़ोटो अपलोड कर देंगे। ये 20 KB में लेता है। वैसे फ़ोटो रिसाइकिल अगर करना हो, कम बेस करना है, तो आप इसका अप्लीकेशन भी होता है, मोबाइल से भी आप कर सकते हैं और आप सीधे डायरेक्ट गूगल से भी जाकर कर सकते हैं इसको कम बेस KB में। और यहाँ पे एक सिग्नेचर सबमिट करने, जैसे कि मैंने सबमिट कर दिया, उसके बाद कैप्चा भरेंगे, तो कैप्चा अच्छे से देख के भर लेंगे और यहाँ पर जैसे सेव फॉर्म कर लेंगे तो आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोग एक बार ऊपर नीचे करके अपना पूरे देख लेंगे। चलिए मैं एक बार ऊपर से जांच कर लूँ, आप भी ऐसे अपना ऊपर देख लेंगे, कोई भी मिस्टेक ना हो, आप अपना अच्छा से रोल नंबर मिला लेंगे, हर डिटेल चेक कर लेंगे, उसके बाद इसको सबमिट कर लेंगे। चलिए मैं अब इसको सबमिट करता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ। फिर इसको हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे थोड़ा देर लोड लेगा, सेव है, सेव फॉर्म। जैसे हम फोटो अपलोड कर देंगे और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, उसके बाद से हम इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पूरा आपका डिटेल दिख जाएगा। आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, आप ही का रहेगा। यहाँ पर फॉर्म नंबर दिखा देगा आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा देगा, स्टूडेंट नेम, कॉलेज नेम, एग्जाम टाइप, सब चीज़ आपको दिखा देगा। फी डिटेल पर आते हैं, जब फी डिटेल पर आएंगे तो आप देखिए एग्जामिनेशन फ़ी आपको सारे डिटेल यहाँ दिखा देगा, एग्जामिनेशन फ़ी कितना है, इनरोलमेंट नंबर फ़ी कितना लग रहा है, अपलेटेड फ़ी कितना लग रहा है, यानी कि टोटल अब आपको कितना फी करना है, 6,024 रुपया, यानी कि 6,024 रुपया पे करना है। तो कहा जाए तो अमाउंट बहुत बड़ा है, बट कोई नहीं, हम लोग पे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पैसा पे करने के लिए बोल रहा है। तो पे भी था आपके पास ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आप EMI भी कर सकते हैं, HDFC बैंक, बहुत सारे कार्ड भी दिखा रहा है, नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ अपने डेबिट कार्ड से करेंगे, तो आपके पास जो सी सुविधा हो आप अपना सुविधा अनुसार कर सकते हैं। तो आप बने रहिए, आपको पूरा पेमेंट करके हम लोग दिखाएंगे लाइव। चलिए आप हम पेमेंट करते हैं। जैसे हम आगे का प्रोसेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे OTP आएगा, यानी कि जिस नंबर पे रजिस्टर हुआ वो बैंक, उस नंबर पे OTP जाएगा, उसके बाद अपने जैसे ही OTP डालेंगे वैसे पैसा सबमिट हो जाएगा। तो चलिए हमने पहले OTP अपना डाल लेते हैं, फिर सबमिट पर करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। फिर आपको दिख रहा होगा OTP, हम सबमिट पर क्लिक करते हैं, प्रोसेस लेगा, टाइम लेगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे कंग्रेचुलेसन करके आ गया, योर पेमेंट है सक्सेसफुल, कंप्लीट सक्सेसफुली। अब इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे और प्रिंट आउट का आप एक बार आपको दिखाए थे पूरे कन्फर्म जो हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, कन्फर्म हो गया हमारा पेमेंट, उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। चलिए हम प्रिंट आउट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद थोड़ा लोड लेगा, उसके बाद ऐसे दिखेगा। देखिए आपका पूरा यहाँ पे दिख गया, पूरे आपका पूरे डिटेल आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं स्लाइड करके आपको घुमा के दिखा दे रहा हूँ, सारी आपकी डिटेल आपको दिख गया। अब आपको इसको प्रिंट आउट करना है, प्रिंट आउट इसलिए करना है क्योंकि हम लोगों को कॉलेज में इसको सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है प्रिंट आउट का, डाउनलोड का, आप डाउनलोड इसको कर लेंगे, या आपका लैपटॉप भी आपके पास प्रिंटर हो तो प्रिंट आउट करके निकाल लेंगे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अभी डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके आप कहीं से भी इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, अभी तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं अगले वीडियो के पार्ट में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके साथ लेके कॉलेज में सबमिट करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और इसका अगला पार्ट में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे कॉलेज में सबमिट करने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।